हम लोग बहुत सारी ट्रिप्स प्लान करते हैं अपने लाइफ में बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए। हम जगह जगह जाते हैं और अच्छी अच्छी नई नई मेमोरीज बनाते हैं। बट अगर आप भी अनप्लान ट्रिप्स के अंदर बिलीव करते हैं, उसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस व्लॉग को आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आप लोगों के साथ काफ़ी सारी ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जो कि आप लोगों की आगे आने वाली ट्रिप्स में बहुत हेल्प करेंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीकेंड सडनली विक्रम सेट के चले कहीं पर घूम कर आ जाते हैं। सैटरडे संडे है, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। एंड बच्चों को स्कूल से पिक करने के बाद हम लोगों ने अपनी ये ट्रिप स्टार्ट करी। घर से मैं काफ़ी सारा बच्चों के लिए लंच बना के लेके गई थी। तो ऐसी ट्रिप्स पे जाने के टाइम पे जितना हो सकता है आप लोग अपने घर से प्रिपरेशन करके चलें। मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था क्योंकि बच्चे स्कूल में थे ऑलरेडी, और जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लिया वहाँ पे अपने घर से लाई हुई चाय को एंजॉय किया। जिस भी जगह आप लोग जा रहे हैं उसके लिए आप लोग पहले से ही थोड़ी बहुत सर्च कर सकते हैं। जैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि हमारा ये अनप्लान ट्रिप था, बट कार के अंदर जितने टाइम विक्रम ड्राइव कर रहे थे उस टाइम पे मैंने काफ़ी सारे जो होटल्स थे जिनको हम लोग देख सकते थे रहने के लिए, उन सबको मैंने सर्च करा, उनके मैंने स्क्रीन शॉट ले लिए थे अपने फ़ोन में, सो डैट हमें ज़्यादा ना घूमना पड़े। बच्चों के साथ इस टाइम आप लोग लॉबी में बैठ के काफ़ी सारे गेम्स वगैरह खेल सकते हैं जो कि आप लोगों को होटल प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम लोगों ने भी ऐसे काफ़ी देर बैठ के 1 से 1.5 घंटा जितनी थकान थी वो हम लोगों ने यहीं पे बच्चों के साथ खेल के खूब मस्ती करी, और उसके बाद हम लोगों का टाइम था डिनर करने का। डिनर में आप लोग हो सके तो वही चीज़ ऑर्डर कीजिएगा जो आप लोगों को लगे कि हाँ हम सब खा सकते हैं, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है हम लोग ओवर स्पेंडिंग भी कर देते हैं। सब अगर अपने अपनी पसंद की 4 चीज़ें मंगवाते हैं और फिर अगर वो नहीं खा रहे हैं बच्चे, तो फिर कहीं पे भी हमारा थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा अगर बजट आप लोगों को लग रहा है टाइट है, तो उस टाइम पर आप लोग ऐसी ही चीज़ें ऑर्डर कीजिए जो आपके बच्चे और आप दोनों खा सकते हैं। हमारा ये ट्रिप था शिमला के लिए, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे था, और जब आप इतनी हाइट पर जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन मिले और प्रॉपर व्यू भी मिले आप लोगों को सिटी का, इन सारी चीज़ों का हम लोगों ने ध्यान रखा। तो जो हमारा रूम था उसके अंदर भी हम लोगों ने अपनी चॉइस रखी थी कि हमें विंडो साइड पूरा व्यू मिलना चाहिए शिमला का, और ये सारी चीज़ें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं, उनकी मेमोरीज़ में रहता है कि हाँ हम लोग कभी शिमला गए थे तो हम यहाँ रुके थे। तो आप लोग इस तरीके की मेमोरीज ज़रूर बनाइए जब ट्रिप पे जाते हैं। फ़ोन वगैरह हम लोग कम यूज़ करें, टीवी वगैरह तो हम लोग अपने घर पे ही देखते हैं, पर ये जो नेचुरल ब्यूटी हम लोग देखने गए हैं उस जगह की, वहाँ पे आप अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए। बच्चे भी बहुत खुश होंगे, आप लोगों को भी बहुत अच्छा मिलेगा, बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग होती है इस तरीके से बच्चों के साथ। ऐसे जब हम ट्रिप पे जाते हैं तो आप लोगों का जो होटल होता है वो भी प्रोवाइड करवाता है कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हैं नियर बाय, एक दिन में कौन कौन सी जगह हैं जो आप कवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग भी खुद सर्च कर सकते हैं कि कौन सी अच्छी जगह हैं। तो हम दोनों ने मिलके काफ़ी अच्छी अच्छी जो जगह थी शिमला की वो सारी चुनी, और फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि ब्रेकफास्ट करके अच्छे से घर से रेडी होके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे, कुछ मेमोरीज़ बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोगों ने जितनी भी जगह टिक करी हैं आज वो सारी की सारी हमें कवर करनी है। बच्चों के साथ ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, पर बच्चे आप लोगों के कोऑपरेटिव हैं, बच्चे आप लोगों के साथ इन्जॉय करना चाहते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती है। ट्रिप्स पे जब आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे अगर देर तक सोने की आप लोगों को आदत है तो उसको आप लोग 2-3 दिन के लिए छोड़ सकते हैं। एक बार सुबह जल्दी उठ के देखिएगा आप लोग, वहाँ पे मॉर्निंग वॉक करके देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हमारे लिए वो बिल्कुल नया है उस जगह। अपनी पूरी ट्रिप को स्टार्ट करने से पहले आधा घंटा बहुत अच्छे से हम लोगों ने होटल के अंदर ही घूमा, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, बच्चों के साथ वॉक करी, सुबह भी जल्दी उठे थे और उस टाइम पर भी हम लोगों ने मॉर्निंग वॉक साथ में करी। Try not to hold me down, feel alive,
चेक करके जाइएगा जिन जगह पे आप लोग जाने वाले हैं वहाँ पे कार पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, ओला उबर इस टाइप की कोई फैसिलिटी है या नहीं है, या फिर पैदल ही आप लोगों को जाना है। तो इन बातों का हम लोगों ने प्रॉपर ध्यान रखा। सबसे पहले हम लोगों ने आज रखे थे 4-5 पॉइंट, जो कि हमें पता था बच्चों के साथ बड़े ही हंसते खेलते हम लोग विज़िट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा वहाँ पे चर्च, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत क्लिप्स ऐड करी हैं सो डैट जो भी शिमला विज़िट करे उन सब के लिए काफ़ी आसानी हो। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लेस थी जिसे हमें विजिट करना था वो था हनुमान जी का मंदिर। और ये मंदिर काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है और इस टाइम पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंस के साथ साथ आप लोगों के पास बच्चे हैं, आप लोग भी हैं, तो उसके लिए आप लोग पूरा हाइड्रेट होके जाइएगा। अपने साथ अच्छे से पानी की बॉटल्स वगैरह रखिए। अगर आप लोगों को थोड़ा लगता है कि बीपी वगैरह का आप लोगों को इश्यू है तो आप लोग छोटी सी चॉकलेट टॉफ़ी ये सब भी अपने साथ रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने पूरा जो बैग है वो बहुत ज़्यादा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है ऐसी ट्रिप्स के ऊपर, क्योंकि आप लोगों का हैंड बैग भी होता है और अगर आप लोगों ने कोई और एक्स्ट्रा बैग लिया है तो वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए भारी हो जाएगा। तो एक छोटा सा बैग ले लीजिए, बच्चे का स्कूल बैग, जिसके अंदर आप लोग ये छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं और काफ़ी ईजीली आप लोग इन सारी जगह पर जा सकते हैं। बाहर से परचेज़ नहीं करना पड़ता है पानी वगैरह रुक रुक के। मैं कभी भी अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने में बिल्कुल भी नहीं शर्माती हूँ, और मुझे जितना लगता है कि हाँ मेरी फ़ोटो ठीक नहीं आती है तो मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि नहीं इस एंगल से लेके देख लीजिए, वहाँ से शायद ठीक आ जाएगी। तो ऐसी ट्रिप्स के अंदर भी ना आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप लोग जा रहे हैं किसी जगह घूमने के लिए तो प्रॉपर आप लोग अपनी फ़ोटो लीजिए, अपनी फैमिली की फ़ोटो लीजिए। और मैं इस बात में भी हेजिटेट नहीं करती हूँ कि किसी और को मुझे बोलना पड़े कि हम चारों की फ़ोटो क्लिक कर दें। तो ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूर आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा कि हम जब ट्रिप पे जाएं तो प्रॉपर फ़ोटोज़ वगैरह लेकर आएं, प्रॉपर वीडियोस भी बनाएं छोटी छोटी सी मेमोरीज़ के लिए, और फिर उसको आप लोग अपने हार्ड ड्राइव में ज़रूर सेव करके रखें विद द फोल्डर नेम कि हाँ हम लोग यहाँ पे शिमला गए थे तो ये हमारे उसका फ़ोटो हैं, उसकी वीडियोज़ हैं। इस तरीके से मैंने भी अपने हार्ड ड्राइव में काफ़ी सारी जो मेमोरीज़ हैं उनको सेव करके रखा है। कभी वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को वो हार्ड डिस्क के अंदर की सारी फोल्डर्स की कैटेगरी भी दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही अच्छा है आप लोगों को अगर अपनी मेमोरीज़ को देखना है एक बार में तो टीवी में भी लगा के आप लोग देख सकते हैं। और इस तरीके से हमारा ये पूरा जो ट्रिप था वो हम लोगों ने प्लान नहीं करा था, बट फिर भी बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने अपने ट्रिप को इन्जॉय करा। किसी भी अनप्लान ट्रिप पे भी जाते हैं और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो आप लोग अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और बहुत सारी अच्छी मेमोरीज अपने साथ घर लेकर आते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया था तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए थे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ डैट मिस्टेक ड्रंक। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक ड्रंक। टेक केयर एंड बाय। It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't.